वेलकम टू न्यूज़ क्लिक एंड इंडियन राइटर्स फोरम आज हमारे साथ दो पोएट हैं मियाँ पोइट हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अब्दुल कलाम आज़ाद इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट इन असम अशरफुल हुसैन मियाँ पोएट एंड um, हुसैन अहमद मदनी ऑल्सो मियाँ पोइट तो हमारी बातचीत होगी कि मियाँ पोइट्री आखिर है क्या और इसके ऊपर लोग इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं तो अब्दुल जी आप बताएं पहले कि मियाँ कौन है और मियाँ पोइट्री क्या है हाँ थैंक यू यहाँ न्यूज़ क्लिक में बुलाने के लिए और आपका जो पहला सवाल है वो मैं थोड़ा uh, सवाल नहीं आपका जो ये था कि नाराज़ है लेकिन वो नाराज़गी धीरे धीरे घट रहा है जो नाराज़गी घट रहा है और मियाँ पोइट्री का रीडरशिप बढ़ रहा है तो ये कहते हुए मैं आपका पहला सवाल में आता हूँ कि मियाँ कौन है इसको एक ही लाइन में या एक ही आ, श, मतलब शब्द में बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये जो नोमन क्लेशर मियाँ एक कम्युनिटी के साथ कैसे आ गया अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मियाँ मतलब एक रेस्पेक्टेड सम इन सम कैसे कहीं पे कहीं पे मुसलमान को मियाँ मियाँ भाई मियाँ जान से पुकारते हैं लेकिन आसाम में अगर जब आएंगे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट इस तरह से चेंज हो जाते हैं कि एक कम्युनिटी है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है जिनको एक तरह से प्रोटेक्ट किया गया है कि ये दे डू नॉट बिलोंग टू दिस लैंड उनको इस तरह से दिखाया गया है कि ये सब ह्यूमन हैं और तब जाके उसके नाम पे वो लगा दिया कि ये मियाँ है मियाँ एक डेरीगेटरी सेंस में यूज़ किया जा रहा था लेकिन सारे दुनिया में बहुत सारे मूवमेंट हुआ है जहाँ पे वो आइडेंटिटी जिसको <coughs> हरास करने के लिए यूज़ किया जाता था जिसको आपके खिलाफ़ एक वेपन के तरह यूज़ किया जाता था उसी को अपना के जी। वो एक स्ट्रेंथ बन जाता है तो जो कम्युनिटी को मियाँ बोल के गाली दिया जाता था उस कम्युनिटी के हम लोग जैसे लोग अब वो मियाँ आइडेंटिटी अपना के ठीक है तुम मियाँ बोल रहे हो तो हम मियाँ हैं और मियाँ का ये स्टोरी है ये हम बोलेंगे वो स्टोरी क्या है जो आप मदी जी जो अपनी पोएट्री से आप कहते हैं वो स्टोरी है क्या आखिर देखिए पहले थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए देखिए ये मियाँ बोल के हमको जो गाली दिया गया था हम पिछले साल हम लोग मियाँ तो वही उसी को अपना के हम अपना जो डायलॉग है हम लोग तो ऑफिशियली असामीस है पढ़ाई असामीस में मीडियम में हुआ है अपना मैं तो चोर से बिलिंग कर रहा हूँ चोर एरिया से जिस चोर की लोगों को शहर में आता है तो उसको मियाँ बोलता बुलाया करता थे तो ये मियाँ को हम लोग ने ठीक है हमको गाली सुनते सुनते अभी इसको अपनाया ठीक है इस अपना जो डायलॉग है क्योंकि असामीस अपना लैंग्वेज है ऑफिशियल लेकिन अपना गाँव में अपना घर में जो बात होती है तो उसका जो डायलॉग हो उसको डायलॉग को अपना के ये उस डायलॉग में अपना बात रखने के लिए इस ये लिखा था लिख रहा है हम लोग की अपना बात पे हम तो मियाँ है ठीक है इसका नाम मिया पोट्री हो गया है। ये। तो जब आप लिखते हैं तो आपका इमोशन क्या होता है क्या नाराज़गी है दर्द है एक्सप्रेस करने का आपका क्या इच्छा है ये दर्द है उभार के आता है ये दर्द हमको सालों साल इतना दिनों से ये सुनते आ रहे हैं हम लोग तो उसको लेके हम लोग अपना जो दर्द है वो दर्द को दर्द निकाल के आ रहा है ये निकाल के अभी सामने आ रहा है वो ये एक्सुअल में ये पॉइंट बन गया अभी जो ये चर्चा में है अशरफुल जी आपने कब लिखना शुरू किया तो मैं इसे बचपन से कुछ ना कुछ लिखते रहा हूँ और जब से मियाँ पोल्ट्री का ट्रेंड शुरू हुआ हम भी इसके साथ शामिल हो गए अभी चर्चा जो हो रहा है कि ये मियाँ कैसे क्यों देखिए सौ साल से भी ज़्यादा हुई है हमारे पूर्वज को आज हम जिस ज़मीन में बसत कर रहे इस ज़मीन में लाया गया था एक ही देश का दूसरे प्रांत से और जब से ही उनको एट्टीन नाइनटीन हंड्रेड से पहले उनको कहीं जगह से हिंदुस्तान की एक जगह से और एक जगह पर लाया गया था शुरू हो गया था कि इनको हटाओ इनको हटाओ और ये सौ साल से भी ज़्यादा दिन हम अपना आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस में है और हमारा जो भी आइडेंटिटी बस तब तो को दिखाया जा रहा था तो उस आइडेंटिटी के ऊपर ही अटैक हो रहे थे देखिए कि हमेशा बांग्लादेशी के नाम पर कवि पाकिस्तानी के नाम पे बहुत सारे लोगों को इस देश से हटाया दिया गया लाखों लोगों को स्टेटलेस बना दिया गया है और हमारा अंदर छुपा हुआ उस दर्द को अगर हम कविता की भाषा में भी करें बाहर ना लाए तो कौन करेगा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है अपना चारों तरफ का जो लोग है उनका अंदर छुपा हुआ हर हर बात उनका अंदर छुपा हुआ हर हर स्टोरी को लोगों को बताना आज जो हो रहा है आसाम में एन आर सी डी वोटर्स फॉरन ट्राइब्यूनल में क्या चल रहा है इन सारों बातों को हम कविता के जरिए बोल रहा था और हमारे ऊपर थोक दिया पुलिस केसेस अगर हम हमारा शब्द किसके इतने इतने किसको दर्द पहुँचाया जिन लोगों ने हमको इतने दिनों तक तो शोषण करके आया है हमारे अपना हम किस भी जुबान पर बोले ज़ुबान का क्या है कौन सा स्क्रिप्ट बोल रहे रही उसमें क्या है आपको समझ में आया है कि नहीं उतना ही तो अगर हम प्रोग्रेसिव है हम सोचते हैं कि पूरा दुनिया के लोगों की मानवता या अलग अलग हम डेमोक्रेटिक भी है तो हम स्क्रिप्ट जुबान इन सारे चीज़ों पे ध्यान नहीं देना क्या बोल रहा है इसका सच में समाज में इसका ज़रूरत है या कि नहीं सच में इन लोगों के साथ ये हो रहा है तो उनको साथ जाकर सोलिडारिटी दिखाना था लेकिन इसे हुआ नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ने दिखाया भी तो इसीलिए हम सोचते हैं कि कविता के जरिए हम और बहुत से बहुत बात बताना है हमारा समाज में जो भी कुछ चल रहा है हम जितने गरीबी से जितने सारे दूसरे दूसरे मुसीबतों से गुजर रहे हैं इन सारे बातों को हम कविता के ज़रिए बोलेंगे तो एक बार बताएं जब इतना फ्लड आता है तो कई बार ये भी कहा जाता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है आसाम में क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंसिस रहा है हिस्ट्री में तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स बहुत केयरफुली प्रिजर्व करते हैं ऐसा है क्या ये, ये इसमें इस इसमें थोड़ा मतलब ये एक नैरेटिव है yes. लेकिन उसका जो असलियत है वो कुछ अलग ही है mm -hmm. फ्लाड जो डिज़ास्टर है डिज़ास्टर सिचुएशन में वो डिज़ास्टर को मुकाबला करने के लिए जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का डिज़ास्टर मिटिगेशन का ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए वो नॉलेज होना चाहिए अभी अगर आप डीआरआर का जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उनमें से गवर्नमेंट को इनफैक्ट और हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो बोला है कि हाँ एग्री करते हैं वो सेंडाई फ्रेमवर्क पुल के फ्रेमवर्क है लेकिन वो काम अगर ग्राउंड में देखेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का काम गवर्नमेंट नहीं कर रहा है अगर करता तो ये बात आप कह सकते हैं हाँ मेरे लोग इनको पता है कि डॉक्यूमेंट कैसे रखना चाहिए डिज़ास्टर सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए ये नहीं है लेकिन जो बात अभी नैरेटिव बनाया गया है कि मुसलमान के पास डॉक्यूमेंट है और ये इनका एक ये जानते हैं कैसे डॉक्यूमेंट रखना चाहिए या फिर कैसे डॉक्यूमेंट्स फोर्स करना चाहिए डुप्लीकेट कैसे बनाना है ये सब एक फॉल्स नैरेटिव चल रहा है बात ये है कि जब एन शुरू हुआ 2015 में 2015 2015 में एन ने एन का जो अथॉरिटी है उन लोगों ने नाइनटीन फिफ्टी वन का जो लेगेसी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हर किसी के घर घर पहुंचा दिया और उसके साथ ये मियाँ पोइट्री का एक अच्छा कनेक्शन है आप जब मियाँ पोट्री का बात कर रहे हो तो इस वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद डेट पर्टिकुलर डेवलपमेंट जब ये डॉक्यूमेंट 1951 का डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं था स्पेशली दो पीपल लिविंग इन चोर एरिया मेरे पास नहीं था तो एन आर सी ने वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में दिया है एंड दैट वॉज ए मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट हाफिज अहमद का जो पोइट्री से ये पूरा डिस्कशन शुरू हुआ राइट डाउन माई आई एम ए आई माई एन आर सी सीरियल नंबर इज वो जो वो जो है वो कहाँ से आते हैं वो आते हैं कि उनको 2015 में एन आर सी ऑफिस से उनका वो लिगेसी मिल गया और वो जो एम्पावरमेंट है एनआरसी को आप क्वेश्चन uh, कर सकते हो उसको इनफैक्ट uh, अभी तो इवन द बीजेपी देर ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट इट लेकिन एनआरसी मुसलमानों ने मुसलमान ने क्यों मांगा था मियाँ पॉइंट जो है वो लोग उनको uh, मतलब मीडिया में बताया जा रहा है कि दे आर एंटी एन गैंग बना दिया कि ये एंटी एनआरसी एन गैंग है लेकिन मियाँ पॉइंट एक भी पॉइंट नहीं है जो एनआरसी के ख़िलाफ़ है अशराफुल मदनी शाहजहान हर कोई रहना हर कोई एन को लेके क्या क्या नहीं किया हर गांव में जाके पूरा मोहल्ले में जाके एन को लोगों तक उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि ये नहीं एन आर जरूरी है और ये जो आपने डॉक्यूमेंट का बात कहा तो इसलिए जरूरी है अच्छा यानी कि ये एंटी एनआरसी गैंग नहीं है नहीं है इसको इसको मतलब आप उस तरह से दिखाना चाहते हो कि ये एन एनआरसी है लेकिन आज के डेट में अगर अगर हम लोग को मतलब दिखाना है उस नैरेटिव से शायद दिखाएंगे कि ये प्रो एनआरसी है क्योंकि अब तो बीजेपी एन आर रहे नहीं चाह चा रही है <laughs> तो अब शिफ्ट हो गया है बिल्कुल नहीं 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 ऐसे नहीं हम एनआरसी चाहते थे आज भी चाह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं सरकार एनआरसी के ऊपर दबाव डाल के कुछ भी करे हम मान ले ये जो 19 लाख का जो अखरा आया है इस अखरा में लाखों लोगों ऐसा है जिसको जबरदस्त फॉरेनर्स बनाने के लिए पुश कर रहा है जी ये एग्जाम्पल आए हैं सामने कि फादर इंक्लूडेड है डॉटर नहीं है ये हाँ? इस तरह के बा, बात हम लोग इतने दिन बोल के आ रहे थे कि आप जो कर रहे हो हम एनआरसी चाहते हैं लेकिन जो प्रॉब्लम है एनआरसी का प्रोसेस में प्रोसेस में उसको आपको ठीक करना पड़ेगा अगर हम एनआरसी चाहते थे क्यों हम चाहते थे इसीलिए कि हमारे समुदाय बाकी समुदाय जो बेंगल ओरिजिन है जो नेपाल ओरिजिन है जो पाकिस्तान ओरिजिन है इन सारे लोग कह, कभी ना कभी माइग्रेट आसाम में किया था ये बात झूठ नहीं है चस है रिफ्यूजी आया था यहाँ पे नेपाली से नेपाल से लोग आया था उन लोगों को सिटीजनशिप Uh, हमारे कम्युनिटी ईस्ट बंगाल से आया था तो हमारे जो सिटीजनशिप इसको ग्रांटेड करने के लिए हमारे सिटीजनशिप uh, रजिस्टर चाहिए था एनआरसी चाहिए था और हम लोगों को जिस सारे टूल्स के जरिए इतने दिन उन लोगों ने शोषण किया वो सारे टूल्स क्या था रेफरेंस केसेस भेजे थे आई एम डी टी थे right. जिसमें रेफरेंस केसेस पुलिस बनाते थे विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस किसी के नाम पे भी आपका फॉरेनर्स के केस दायर कर देते लाखों लोग लाख से कम एक लाख से ज्यादा लोगों के नाम पे ये रेफरेंस केस बना के रखा था हम लोग ने सोचा था कि इसके जरिए खत्म होगा आज के दिन में भी एक लाख पच्चीस हजार लोगों के नाम पे डी फ़ूटर्स बना के रखा है 20 साल से भी ज़्यादा दिन 20 साल हो गया उनको ना वो वोट नहीं दे पा रहा है उनका भाई वोट दे रहा है उनका माताजी वोट दे रहे हैं उनके पिताजी वोट दे रहा है हर लोग वोट दे रहे हैं उनके घर पे उनका नाम पे क्या हुआ जो वो डी वोटर्स बना के रखा है वो स्टेट के जो उनको पस्ट मैकानिज्म है उस मैकानिज्म के जरिए किसी को शोषण करना है इसीलिए उनको डी वोटर्स बनाया और बाकी जो एनआरसी प्रोसेस में जिन सारे टूल्स को लाया गया वो है फोर डिस्क्रिमिनेटरी पावर दिया गया है उनको मान हम मान लिया कि वो आ, कानून में है लेकिन जिस तरह से ये 4.3 पॉइंट थ्री क्लॉज को यूज़ किया सो मोटू ऑब्जेक्शन के लिए ऑफिसर के द्वारा इनमें तो बहुत सारे इनजस्टिस हुआ है बहुत सारे लोगों को नाम हटा दिया लेकिन उनको दूसरे भाई का नाम है री वेरीफिकेशन आप लोगों ने सुना होगा री वेरीफिकेशन एन में आया थे आ, एकदम शॉर्ट नोटिस पे लॉन्ग डिस्टेंस जाने का जो बात था दस घंटा पहले नोटिस मिल गया कि आप कल सुबह हाजिर होना है तीन सौ किलोमीटर दूरी के एनआरसी ऑफिस पे लास्ट टाइम फ्लाड आ गया भी हुआ है। काफी एक्सीडेंट हुआ है लोग मरा है तो लोगों के अंदर जो सिचुएशन माहौल बना था डर का रोने का चिल्लाने का ये कैसा था ये बात को समझना है हम जितने सारे लोगों ने इसमें सेक्रीफाइस किया है हमारा कम्युनिटी ने दूसरे दूसरे कम्युनिटी ने जितने सारे कंट्रीब्यूशन दिया है एनआरसी का सफल होने के लिए एनआरसी को अपना मुकाम पहुंचाने के लिए इसको कोई इनकार नहीं कर सके इनको कोई बोल देगा आज बीजेपी बोलेगा कि ये एनआरसी ये है वो है ऐसा नहीं हमको एक सस चाहिए उसको बनाने का जिम्मेदारी उनके पास थे लेकिन वो क्या करने वाला है मुसलमानों को कैसे हटा जाए इन सारे को ढूंढ रहे बात कितने अब्दुल भाई? तो किया था। मेरा परिवार के नाम पे भी ऑब्जेक्शन उनको पता था क्या मेरा दादाजी 1924 से नौकरी करते थे गवर्नमेंट की नौकरी हमारा फैमिली के मेरी पास वाला परिवार के अगेंस्ट में क्यों ऑब्जेक्शन डाला हम लोग क्यों तक तो तो ना ना हम कौन है फिर हुआ, उनको पूरा भी नहीं था। ये सरकार का द्वारा बना हुआ गया ये टूल्स था जिसके जरिए हमको हेरासमेंट कर सके जिसके जरिए हमारा नाम यहाँ एनआरसी से निकाल दे सके लेकिन इन सारे चीजों को भी हमने ओवरकम किया लेकिन सरकार ने कुछ हद तक सफलता भी रहे और ये जो आखरा था पहले इतने लोग चालीस लाख पचास बॉर्डर में बैठ बैठ के लोग गिन रहा रहा था था और और वो 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 बता रहा था। और आज आज एक वो को मिलाने के लिए इतने सारे लोगों को नाम बाहर निकला नहीं तो निकलते नहीं इतने सारे एकदम साफ साफ साफारी के साथ बोल सकते देश के सामने एक बात बताएं जो लैंग्वेज का क्वेश्चन आया है कि ये लैंग्वेज एसमीज लैंग्वेज को थ्रेटन करेगा मिया पोएट्री का तो ये ऐसा क्यों एक परसेप्शन बना और ये परसेप्शन अभी घट क्यों रहा है वाई वाई इज अ परसेप्शन चेंजिंग देखिए जो हम लोग तो पहले भी बात किया है कि आसामीस मीडियम स्कूल में हम लोग पढ़ाई किया है मैंने भी खुद पढ़ाई किया है आसामीस में लिखते हैं ऑफिशियल आसामीस है फिर अपना जो डायलग है अपना गांव में अपना जो इलाका में हम लोग जो बात करते हैं घर में तो आसामीस नहीं बात करते क्योंकि मेरा अपना जो पूर्वज था वो बेंगोल में ही था उसका तो लैंग्वेज बेंगोली ही था तो आसामीस अभी पढ़ाई किया तो घर पर अभी भी वो डायलग है जिसको अभी मियाँ डायलगट बोल रहा है हम लोग भाई ये चल रहा है तो इस डायलॉग में हम लोग जो लिखना शुरू किया वो इतना स्ट्रोंग था ये जो अपना दर्द था उसको जो आगे आया इसको इस्टेब्लिश हो गया तो इसमें क्या लिखते थे हम लोग अपना जो दर्द क्या दर्द है वो जो अपना रिवर इरेशन का जो दर्द है अपना जो आइडेंटिटी क्राइसिस का दर्द है जो वोटर लिस्ट में डाउटफुल सिटीजन किया कहा गया उसका जो दर्द है वो आपको जो हेरेजमेंट है उसका जो दर्द है आप कोई अपर में अपना एक ही स्टेट का अपना स्टेट का अलग जगह पे काम के लिए जो लेबर लोग जा अपना ये रेजन की मतलब इकोनॉमिकली इतना हम लोग शोषित है तो हम लोग काम के लिए अपना भाई कोई जोरहाट डिबूगढ़ अपर असम में काम के लिए जाता है तो वहाँ पे जो उसको क्वेश्चन मार्क डाउटफुल सिटीजन करके जो क्वेश्चन करते उसका जो दर्द ये दर्द अपना ये लैंग्वेज मतलब ये लैंग्वेज नहीं है अपना डायलॉग में अपना जुबान से निकल के आ रहा है तो इसको ये कभी असामिस आसा, जो लैंग्वेज है उसको कभी थ्रेट नहीं कर सकते क्योंकि अपना तो आइडेंटिटी असामिस है मेरा जो आइडेंटिटी वो एसामिस है मैंने पढ़ाई असामिस में किया है मेरा ये सब कुछ हो रहा है उसके बाद अपना डायलॉग पे क्योंकि नहीं अपना आप, जो दर्द वो एसामिस लैंग्वेज में क्यों नहीं आ रहा था इतने दिन नहीं आ रहा था इसलिए अपना डायलॉग में आ गया ये सवाल आते हैं इवन हिरिन गुहाई सर ने भी ये बता, आ, लिखा है कि ये लोग एसमीस में ये सब क्यों नहीं लिख रहे हैं यही नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो ये ना भूलें कि एसमीस लोगों पे डिपेंड है ये इंटेलेक्चुअल सर्कल से एक स्टेटमेंट आया है ऑफिशियली लिखा गया है। हाँ लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूँगा हाँ। क्योंकि सर ने कुछ आ, Clarification. हाँ क्लैरिफिकेशन दिया है तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा वो एक लार्जर इशू है ये हिस्ट्री है कि हम लोग जो है हम लोग का हिस्ट्री है कि वे ब्रॉड टू असम फ्रॉम बेंगल एट द टाइम बेंगल वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये हमने ना भूले तो हम लोग का एक हिस्ट्री था लेकिन हम लोग जब आसाम में आया अगर आप देखेंगे हिस्ट्री देखेंगे मेरा जो फोरफादर्स थे वो लोग बंगल में ज़मींदार का जो एट्रोसिटी का विक्टिम थे वो जब यहाँ आके उनको लैंड मिला लैंड मेरे फोरफादर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था जब लैंड मिला तो उनको लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है और ये ये जो ज़मीन है ये ज़मीन अब कह सकता हूँ कि ये मेरा ज़मीन है और ये ज़मीन के साथ साथ सिर्फ ज़मीन नहीं लैंड के साथ साथ आइडेंटिटी कल्चर लैंग्वेज एवरीथिंग चेंज हो गया मैं कहीं पे लिखा था कि जो बंगाली लोग पहला बैशाख बोई, मनाते हैं जी। वो पहला बैशाख हम लोग सौ साल पहले सोर के आए हैं आज हमारे लिए पहला बैशक नहीं हमारे लिए बिहू है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया नहीं किया जा रहा है कि नहीं ये आसामी स्न... है ये एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो दो चार लोग कह रहे हैं कि आपको आसामीस नहीं मानते बाकी सब लोग तो मान लिए तो मेरा सवाल आज है जो कमेटी बिठाया गया है आसाम एकॉर्ड के तहत हाई लेवल कमेटी बिठाया गया है कि आसामीस लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ है वो उसके ऊपर जो मॉडलिटीज़ है वो बनाएंगे वो फिक्स करेंगे आज अगर आप आसाम में जो पब्लिक नोटिसेस आ रहे हैं उसमें वो आसामीस के आगे इंडिजीनियस लगा रहे हैं ताकि हमको वहाँ से हटा, हटा सकते हैं आसामीस का डेफिनेशन से हमको वो लोग हटाना चाहते हैं सन ऑफ द सोइल कह के उनके नाम पे इंडिजीनियस लगा दिया लेकिन आसाम रिकॉर्ड में इंडिजीनियस नहीं है आसामीस है तो उस हिसाब से अगर देखे तो 1985 में जो आंसू था डेट वॉज मोर इंक्लूसिव आज के दिन में वो तो है ही बीजेपी से तो बीजेपी का जो एजेंडा है राइट विंग का एजेंडा है उससे तो आंसू बेहतर है वो कम्यूनियल नहीं है एटलीस्ट लेकिन जो 85 में एक्सेप्टेंस था कि नहीं जो आसामीस है उनको ही उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ मिलेगा एंड एटलीस्ट जो ऑफिशियल डेफिनेशन है लीगल डेफिनेशन होंगे उसमें आसामीस पीपुल है हम लोग लेकिन आज वहां से भी हटा रहे हैं, लेकिन लेकिन वो आवाज कहीं पे नहीं है इसीलिए ये लैंग्वेज का क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या अपने आइडेंटिटी समय कहीं ये डिवाइड बढ़ गया है, कि, ये, मतलब इसका आ, जो था, हुआ है कहीं ना कहीं एकदम नहीं आ, ये जो इंडिपेंडेंस का पहले का आसाम था तबका टाइम पे आसामी बोलने वाला लोगों का संख्या बहुत ही कम था बोले तो तीस फीसद के आसपास थे और जब को हमारे पूर्वज ने एक सामूहिक सिद्धांत लिया है कि हम लोग आसमिस भाषा को एडॉप्ट करना चाहिए खुद को मातृभाषा जैसे इसको लिखना चाहिए ऑफिशियली सिर्फ उन लोगों ने इतना करने के पहले 1899 में स्कूल बना लिया बहुत पहले और मेरा गांव वो आसमिस मीडियम में था और मैं जिस गांव से आया हूं उस गांव में 1919 पे आसमिस मीडियम स्कूल है आज से सौ साल पहले वो कौन था वो तो बेंगलो रिजिन थे फिर भी उन्होंने स्कूल बनाया था आसमिस मीडियम में फिर नाइनटीन फिफ्टी में सामूहिक सब लोगों ने खुद को आसमिस लिखने के लिए आ, कलेक्टर की तरफ भी उनको एप्लीकेशन डाला कि हम लोग आसमिस बोल के उनको कैटेगराइज करें और ऐसे ये कम्युनिटी ये जो बृहद असमिया जाति जिसको हम बोलते हैं बड़ा असमिया जाति इस जाति का हमने हिस्सा होने लगे धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहते थे आज भी बढ़ रहा है लेकिन जिन अगर ये बात को आप ये कर देंगे कि बंगाल और से जब आया था उनको खुद को एक डायलॉग घर में बोला जाता है उसको अगर हम उस डायलॉग पे लिखते कौन सा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं right. हम तो आसमिस स्क्रिप्ट यूज right. कर रहे हैं ना right. और हम ये ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आसमी के उपभाषा जिसको कहते हैं ये है आ, right. तो क्योंकि ग्वालपुरिया जो डायलैक्ट है वो आसमी का उपभाषा बन सकते हैं तो हम चौर वाले लोग जो डायलॉग को बोलते हैं इसमें लैंग्वेज जो जो है इन लास्ट 100 years, ये बहुत ट्रांजेक्शन हुआ है चेंज हुए है अभी हम लोग घर अगर अगर अगर, अगर बांग्ला होते हैं तो घर में हम लोग दूध बोलते हैं जो मिल्क है अब कहीं पर भी, भी जाइए हम लोग गाखिर बोलते हैं

एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है मियाँ पोइट्री का जो मूवमेंट है ये आइसोलेटेड नहीं है हम सोलिडेरिटी मानते हैं बहुत सारे मूवमेंट से दलित मूवमेंट पकड़ लीजिए दलित बोल के आप गाली देते थे ठीक है चामार हाँ चामार प्राइट हो रहे है आज तो उसी तरह से क्वियर मूवमेंट जो ज, 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 जो आइडेंटिटी आप यूज़ करते थे हरास करने के लिए उसी को अपना लिया हाँ रिक्लेम कर लिया तो वो वो एक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस आइडेंटिटी विल अटैक द लार्जर एसामस आइडेंटिटी ये बात हम लोग समझा नहीं पाया जो इंटेलेक्चुअल्स है आसाम का स्पेशली गुहाई सर दिलीप बरा सर दिलीप बरा सर तो कहते हैं कि आ, अगर आप एसामिस हैं तो आप मियाँ कैसे हो सकते हैं लेकिन एक आदमी का एक इंसान का एक ही आइडेंटिटी हो सकता है क्या मैं कुछ दिन उस दिन अमरता सेन का एक आर्टिकल पढ़ रहा था वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि इन नॉर्मल सिचुएशन हम लोग बहुत बहुत आइडेंटिटी कैरी करते हैं वो तो एक लंबा लिस्ट देते हैं कि एक आदमी जो, जो मुसलमान है राइट पे विश्वास करते हैं जेस बजाते हैं बांग्लादेशी ओरिजिन है, है इंग्लिश सिखाते हैं लेकिन और दूसरा कुछ फिलोसफी में फेथ रखते हैं तो उस हिसाब से एक नॉर्मल इन नॉर्मल सिचुएशन एक आदमी का बहुत सारा आइडेंटिटी हो सकता है तो हम असामिस हैं लेकिन हम लोग का जो आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी है ये ये समूह का जो आइडेंटिटी का एक हिस्ट्री है पहचान है वो पहचान पर्सिक्यूशन का पहचान है वो पहचान हरासमेंट का पहचान है वो पहचान ये जो फ्लाड है जो इूजन है उसके साथ फाइट करने का एक 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 आइडेंटिटी है एक रेजिलीज रेजिलियंस का स्टोरी है ये सब मानना पड़ेगा ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा हम लोग कह रहे हैं कि वी आर बिंग डिस्क्रिमिनेटेड और वो जो स्टोरी है जो पोइट्री है वो पोइट्री में आ रहे हैं वो स्टोरीज और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इसका हल निकलने का कोशिश भी नहीं कर सकते आपने दूसरे ग्रुप्स का रेफरेंस दिया क्या आपका वो परिषद के साथ या किसी और ग्रुप के साथ कोई लिंक है जो बंगाली आइडेंटिटी का assertion करना चाह रहे हैं सेंसिस के थ्रू नहीं 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 वो जो आपने पलटाई चोलो पलटाई के बारे में चोलो पलटाई वेरी इंटरेस्टिंग चोलो पलटाई जो हम लोग स्पेशली मिया पॉइट हम लोगों ने चोलो पलटाई को बहुत पहले से ही कहा नहीं भाई ये तुम्हारा जगह आसम में नहीं है ये चोलो पलटाई उल्टाई नहीं चलेगा क्योंकि जो पलटाई होना था वो आज से सौ साल पहले वो हो गया है वो हो गया है वो पलटाई होके हम लोग आसामी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है और आ, और उसके लिए हम लोग का जो स्टैंड था डेट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड स्ट्रोंगेस्ट स्टैंड इन आसाम हम लोगों ने आसाम का जो मेन इंटेलेक्चुअल्स है इंक्लूडिंग हिरन गोहाई सर सबको हम लोगों ने सबके पास हम लोग गया एक दो नहीं ये कम्युनिटी का सौ से ज़्यादा लोग सिग्नेचर करके इन लोगों के पास गया कि ये ये सिचुएशन है सलो के नाम पे कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं हाउ शुड ई रेस्पॉन्ड हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के पास गए उनको बुलाया एक मीटिंग किया बातचीत हुआ और जो डिसीजन हुआ उसी तरह से हम लोग गांव-गांव में जाके फिर से एसामिस लैंग्वेज एसामिस कल्चर एसमिस आइडेंटिटी का लार्जर एसमिस आइडेंटिटी का प्रोपोकट किया जो जो एक पॉइंट है हमारे साथ वो थोड़ा बुजुर्ग है हाफिज़ अहमद जो वो मियाँ लिखा था वो उनका जो एक एक ऑर्गेनाइजेशन लीड करते हैं वो चौरसापुरी साहित्य परिषद वो, वो ये जो एरिया है मैंने जो आपको बताया कि 2000 से ज़्यादा चौर है और चापोरी जो रिवर बैंक एरिया है तो ये ऑलमोस्ट इट इट कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर कम्युनिटी तो यहाँ पे जाके इन्होंने एस लैंग्वेज एसमिस कल्चर एस लिटरेचर ये लास्ट तीस सालों से वो प्रोपोगेट कर रहे हैं तो इसमें इसमें शक करने का जगह नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ये है क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो स्टोरी हम बोल रहे हैं मेरा जो दर्द में बोल रहा हूँ तो उनको लग रहा है कि अरे भाई ये क्यों बोल रहे हैं और ये ये अपने डायलेक्ट में बोल रहे हैं ये डायलेक्ट सिर्फ वो बरपेटा या ग्वालपरा या मतलब आसाम का उसमें में सुपा नहीं है क्योंकि आज टाइम चेंज हो गया है ये 85 फाइव का खबीर अहमद साहब जब पोइट्री लिखते थे वो पोइट्री आसाम में ही रहते थे आज वो दिन नहीं है टाइम चेंज हो गया है ग्लोबलाइजेशन ने जो ख़राब चीज़ दिए हैं उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अच्छा चीज़ भी दिए हैं तो हम लोग वो पोइट्री ट्रांसलेट कर रहे हैं तुरंत ट्रांसलेट कर रहे हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया में डाल रहे हैं पूरा अभी मियाँ पोइट्री का जो रीडरशिप है वो सिर्फ आसाम में नहीं है सिर्फ मियाँ के बीच में नहीं है पूरा दुनिया में है न्यूज़ क्लिक और इंडियन राइट फोरम के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया フフフ。